हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मोमेंट ऑफ फोर्स ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 8th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें मोमेंट ऑफ फोर्स ये टॉपिक का 8th प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, उसके लिए क्वेश्चन रहेगा फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम एज शोन इन फिगर अबाउट पॉइंट ए। तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था वो आपके सामने है। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके लिए क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए। यहां पे जितने भी फोर्सेस है सभी फोर्सेस का मोमेंट हमें ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। कितने फोर्सेस है यहां पे टोटल चेक करो, तो यहां पे टोटल 3 फोर्सेस है। एक है 50 न्यूटन जो हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड जा रहा है, ये है दूसरा 50 न्यूटन जो हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड जा रहा है, और ये है 500 न्यूटन जो कि 45 डिग्री से इंक्लाइन है। और ये जो दोनों 50 न्यूटन है इनके बीच में का डिस्टेंस दिया है 0.7 मीटर। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। अगर हमें यहां पे मोमेंट फाइंड आउट करना है तो मोमेंट का फार्मूला क्या है, मोमेंट का फार्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट क्या होता है, मोमेंट ऐसा फोर्स होता है जो अप्लाई करने के बाद बॉडी या तो क्लॉकवाइज रोटेट करती है या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। द फोर्स व्हेन एक्ट्स ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस द टर्निंग इफेक्ट और रोटेशनल इफेक्ट इज कॉल्ड अ मोमेंट फोर्स। जो फोर्स की वजह से बॉडी रोटेट करने लगती है ऐसे फोर्स को मोमेंट फोर्स कहते हैं, और ये मोमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पे हमें तीनों फोर्सेस का मोमेंट लेना है ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में, लेकिन अगर आप यहां प्रॉपरली चेक करेंगे तो यहां पे जो तीन फोर्सेस है उसमें से ये जो दो फोर्सेस है ये दोनों फोर्सेस इक्वल है। देखो दोनों का मैग्नेट्यूड सेम है और दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, और प्रॉपरली चेक करो ये दोनों पैरेलल है। इट मींस यहां पे कपल की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। कपल की कंडीशन क्या होती है, कपल का डेफिनेशन हमने इसके पहले के नंबर ऑफ वीडियोस में बताए थे। कपल का डेफिनेशन ऐसा है कि व्हेन टू इक्वल अनलाइक पैरेलल नॉन कोलिनियर फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी देन कपल विल फॉर्म। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर दो इक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस नॉन कोलिनियर फोर्सेस अगर कहीं एक्ट करते हैं तो कपल क्रिएट होता है। अब इसका यहां पे आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये 50 न्यूटन 50 न्यूटन ये दोनों इक्वल है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों अनलाइकली पैरेलल है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक होता है लाइक पैरेलल जिसमें दो फोर्सेस का डायरेक्शन सेम होता है, दोनों पैरेलल होते हैं और दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, ये होता है लाइक पैरेलल। और दूसरा होता है अनलाइक पैरेलल जिसमें दोनों फोर्सेस पैरेलल तो होते हैं लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो उसको कहते हैं अनलाइक पैरेलल। तो यहां पे ये दोनों अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों नॉन कोलिनियर फोर्सेस है। कोलिनियर फोर्सेस वो होता है जिसमें सभी फोर्सेस एक स्ट्रेट लाइन में पास होते हैं, और नॉन कोलिनियर फोर्सेस वो होते हैं जिसमें फोर्सेस अलग अलग लाइन पे चलते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये दोनों फोर्सेस जो है वो नॉन कोलिनियर फोर्सेस है, और ये दोनों अनलाइक पैरेलल है, दोनों इक्वल भी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 0.7 मीटर भी है। इसका मतलब ये है कि यहां पे ये दोनों के वजह से कपल क्रिएट होगा, और वो कपल हमें यहां पे शो करना पड़ेगा। तो कपल शो करते समय आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, या तो कपल आप क्लॉकवाइज शो करेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज शो करेंगे। अब ये कैसे समझ में आएगा चलो देखते हैं। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ये जो सिस्टम है इसको हम यहां पर डबल ड्रॉ करेंगे ताकि कपल शो करने में आसानी हो। तो देखिए जैसा हमने कहा था हमने यही सिस्टम यहां पे डबल से ड्रॉ कर लिया है, और अब हमें यहां पे कपल शो करना है। लेकिन कपल शो करने के पहले एक काम करेंगे, यहां पे जो इंक्लाइन फोर्स है 500 न्यूटन का इसको हम पहले रिजॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वो 45 डिग्री से इंक्लाइन है, इंक्लाइन फोर्सेस को हमेशा रिजॉल्व करना होता है। तो हमने यहां पे इस तरह से उसके दो कंपोनेंट शो किए हैं, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये है वर्टिकल कंपोनेंट। और अब यहां पे एंगल कितना है, 45 डिग्री का एंगल है, और ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टली एंगल है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा cos 45 और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा sin 45। तो हम यहां पे लिखेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज 500 cos ऑफ 45 डिग्री, एंड वर्टिकल कंपोनेंट हम लिखेंगे दैट इज 500 sin ऑफ 45 डिग्री। तो फाइनली हमने 500 न्यूटन इंक्लाइन फोर्स को दो पार्ट में रिजॉल्व कर लिया है, और अब हम यहां पे कपल शो करेंगे। कपल हमें यहां पे शो करना है, लेकिन कपल का डायरेक्शन क्लॉकवाइज लेना है या एंटी क्लॉकवाइज लेना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे समझ में आएगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो देखो हम आपको समझा रहे हैं, आप अच्छे से इसको समझ लो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में यहां पे कंफ्यूजन होता है, तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
चाहिए, इसलिए इसको अच्छे से समझ लो। आपको क्या करना है, ये दोनों 50 न्यूटन का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन की तरफ ध्यान देना है, वो डायरेक्शन को अप्लाई करना है। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो भी ये 50 न्यूटन है उसको अप्लाई करो और थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन करो और अपने हाथ का मूवमेंट चेक करो कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। आपको डेमोन्स्ट्रेशन ये करना ही पड़ेगा। देखिए ऊपर का जो 50 है वो राइट साइड जा रहा है, ठीक है, देखिए ऊपर का 50 राइट साइड जा रहा है, नीचे का जो 50 है वो लेफ्ट साइड जा रहा है। ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन करो, ऐसे अप्लाई करो और अप्लाई करने के बाद ये देखिए दोनों अगर ऐसे दोनों 50 न्यूटन इस तरह से अप्लाई हो रहे हैं तो इस तरह से अप्लाई होने के बाद ये ऐसा, ये देखिए इस तरह से ये कपल एक्ट होगा। तो ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हुआ क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज हुआ तो हम यहां पे आसानी से 50 न्यूटन के वजह से ये जो कपल हम शो करेंगे ऐसा हम क्लॉकवाइज शो करेंगे। तो ये हम क्लॉकवाइज यहां पे शो किए हैं और इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ये देखिए यहां पे हमने एरो दे दिए। फिर से देखिए ये बताते हैं हम कि क्लॉकवाइज कैसे आया। देखिए ऊपर का जो 50 है वो राइट साइड जा रहा है, नीचे का 50 लेफ्ट साइड जा रहा है, तो ये दोनों को अप्लाई करने के बाद ये इस तरह से, ये देखिए ऐसा आपको डेमो करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, ये ऐसा क्लॉकवाइज हुआ, इसलिए हमने ये क्लॉकवाइज शो किया है। अब ये जो हमने कपल जो फाइंड आउट किए हैं, ये जो मोमेंट हमने फाइंड आउट किए हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए आपको 50 × 0.7 करना पड़ेगा। 50 × 0.7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, तो हम लिखेंगे 35 न्यूटन मीटर, ठीक है। क्योंकि हमने आपको थोड़ी देर पहले कहा था मोमेंट का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये फोर्स, ये जो 50 न्यूटन का फोर्स और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज 50, हमने क्या किए 50 × 0.7 ऐसा किए। 50 जो है वो न्यूटन में है और ये जो 0.7 है वो मीटर में है, तो 50 × 0.7 करो तो कितना, ये हो जाएगा 35, और ये न्यूटन इंटू मीटर करो तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर, इसलिए हमने यहां पे लिखा है 35 न्यूटन मीटर। तो 50 × 0.7 इट मीन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस किए तो 35 न्यूटन मीटर आया है। तो फाइनली हमने यहां पे कपल शो कर लिए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम नहीं है ऐसे में क्या करना, तो सीधी सी बात है अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो हम यहां पे कपल शो नहीं करेंगे, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो ही कपल शो करना होता है, जैसा हमने कपल का डेफिनेशन बताए थे। कपल का डेफिनेशन, व्हेन टू इक्वल अनलाइक पैरेलल नॉन कोलिनियर फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी देन कपल विल फॉर्म। दोनों फोर्सेस इक्वल होना, दोनों अनलाइक पैरेलल होना, दोनों नॉन कोलिनियर होना, दोनों के बीच में डिस्टेंस होना, तो ही आप कपल शो करेंगे। इसमें से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं होती तो हम ये कपल शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम फाइनली मोमेंट फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। लेकिन आपके मन में एक और क्वेश्चन आएगा कि यहां पर यह जो सपोर्ट दिया है, देखिए इधर एक सपोर्ट दिया है, ये है रोलर सपोर्ट, इधर एक सपोर्ट दिया है हिंज सपोर्ट, इसका क्या रोल है, तो इसका कोई रोल नहीं है। ये जो यहां पे दिया है वो एज इट इज हमने यहां पे शो किया है। आपके मन में आएगा कि ये तो रोलर सपोर्ट है तो रोलर सपोर्ट का सपोर्ट रिएक्शन शो करना पड़ेगा, ये हिंज सपोर्ट है तो हिंज सपोर्ट का भी सपोर्ट रिएक्शन शो करना पड़ेगा। नहीं, हमें यहां पे कोई भी टाइप का सपोर्ट रिएक्शन शो नहीं करना है, वो इसीलिए क्योंकि यहां पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई नहीं कर रहे। हमने आपको इक्विलिब्रियम यूनिट में कहा था कि इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करते समय आपको एफबीडी ड्रॉ करना होता है, देन आफ्टर एफबीडी में आपको सपोर्ट रिएक्शन शो करना होता है। यहां पर हमें कोई भी टाइप का एफबीडी ड्रॉ नहीं करना है। हमने ये जो ड्रॉ किया है ये हमने एफबीडी ड्रॉ नहीं किया है, हमने यही सिस्टम में यहां पर कपल शो करने के लिए हमने डबल से डायग्राम बनाया है। ये एफबीडी नहीं है, एफबीडी तो अलग होता है जिसमें सपोर्ट को रिमूव करके सपोर्ट रिएक्शन शो करना होता है, फिर उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करके सॉल्व करना होता है। लेकिन हमें यहां पे एफबीडी ड्रॉ नहीं करना है, हमें यहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई नहीं करना है। ये जो दिया है इसका कोई रोल नहीं है, उसको एज इट इज रखो और यहां पे मोमेंट फाइंड आउट करो, ठीक है। तो चलो फाइनली अब हम मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। यहां पे जितने भी फोर्सेस है सभी फोर्सेस का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। टोटल यहां पे कितने फोर्सेस हैं? अब यहां पे टोटल दो फोर्सेस हैं और एक कपल है। ये देखिए ये दो फोर्सेस और एक कपल, बस इसका मोमेंट लेना है अबाउट पॉइंट ए। लेकिन मोमेंट का एक रूल है, चलो मोमेंट का रूल अब हम यहां पर अप्लाई करेंगे। मोमेंट का रूल ऐसा है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। मोमेंट आप जहां अप्लाई करेंगे वहां से आने जाने वाले सभी फोर्सेस जीरो। मोमेंट आप कहां अप्लाई कर रहे हैं? मोमेंट आप ए पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए, और समेशन करने का रूल है क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस। तो जैसा हमने कहा था मोमेंट हम ए पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं तो ए पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। चेक करो कि यहां पे कितने फोर्सेस ए पॉइंट से पास हो रहे हैं। यहां पर टोटल दो फोर्सेस है, एक है 500 sin, दूसरा है 500 cos। तो ये दोनों में से कौन सा फोर्स है जो ए पॉइंट से पास हो रहा है? तो यहां पे 500 cos 45 ये ए पॉइंट से पास हो रहा है। कैसे? देखिए 500 जो है वो ये पॉइंट पे ऐड कर रहा है। देखिए
500 ये पॉइंट पे आ रहा है, देखिए ये पॉइंट पे 500 आ रहा है। अगर 500 ये पॉइंट पे आ रहा है तो इसके दोनों कंपोनेंट्स भी वही पॉइंट पे आ रहे हैं। ये देखिए ये जो उसके दोनों कंपोनेंट्स हैं, ये 500 cos 45, 500 sin 45, ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं, ये दोनों कंपोनेंट्स यही पॉइंट पे ऐड कर रहे हैं। हमने यहां पे ऊपर शो किया है, शो कहीं पे भी करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें से ये जो 500 cos 45 वाला कंपोनेंट है, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो ये cos 45 वाला कंपोनेंट, इसका वे ऑफ एक्शन क्या है चेक करो। ये जो 500 cos 45 है उसका वे ऑफ एक्शन बी टू ए है। देखो उसका वे ऑफ एक्शन ए की तरफ है, इसका मतलब वो ए से पास होगा। इसका मतलब ये है कि 500 cos 45 जो है वो जीरो हो गया। अब यहां पर कितने फोर्सेस सेफ है बस वो चेक करो। 500 sin 45 ये सेफ है और ये कपल सेफ है, बस ये दो इक्वेशन में आएंगे, ठीक है। 500 sin 45 ये सेफ है, ये A से पास नहीं हो रहा है। 500 sin 45 का डायरेक्शन क्या है, ऐसा वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसा डायरेक्शन है और वो A से पास नहीं हो रहा है। उसका वे ऑफ एक्शन ऐसा है, वो A की तरफ नहीं जा रहा है, ये सेफ है, ये इक्वेशन में आएगा। लेकिन 500 cos 45 इसका वे ऑफ एक्शन बी टू ए है, वो ए की तरफ जा रहा है, इसलिए वो जीरो हो गया, ठीक है। तो चलो अब हम इक्वेशन में सबसे पहले 500 sin 45 को लेंगे। तो अगर आप इसको लेंगे तो वो क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज आएगा वो आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि समीशन का रूल है कि क्लॉकवाइज जाने वाले सभी फोर्सेस आपको प्लस लेना है। मोमेंट ए पॉइंट पे है तो ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज जो भी है वो प्लस में आएगा। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे चेक करना, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेक करने के लिए आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा। मोमेंट ए पे है तो एज अ सेंटर एक फिंगर जो है वो ए पे रखो, ठीक है। हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में भी मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेक करने के लिए यही तरीका अप्लाई किए थे। ये दो फिंगर्स एज अ कंपास है ऐसा आपको मान के चलना है। मोमेंट आप जो पॉइंट पे लेंगे वहां पे आपको एक फिंगर रखना है और दूसरा फिंगर आपको फोर्स के डायरेक्शन में मूव कराना है, ठीक है। और अपने हाथ का मूवमेंट आपको चेक करना है। मोमेंट ए पॉइंट पे है तो एज अ सेंटर ये जो फिंगर है ये फिंगर हम ए पे रखेंगे, ठीक है। और 500 sin 45 को चेक कर रहे हैं तो 500 sin 45 ऐसा नीचे जा रहा है तो जो ये दूसरा फिंगर है उसको ऐसा नीचे घुमाओ, ठीक है। मोमेंट ए पे है तो ये फिंगर, ये जो लेफ्ट साइड का फिंगर है वो हमने ए पे रखे, और 500 sin 45 नीचे जा रहा है तो दूसरा फिंगर हम नीचे घुमा रहे हैं। और अपने हाथ का मूवमेंट अब चेक करो कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये ऐसा ऐसा क्लॉकवाइज है। 500 sin 45 ऐसा ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, इट मींस वो प्लस में आएगा। तो हम लिखेंगे 500 साइन ऑफ 45 प्लस में है इनटू, हमने 500 साइन 45 लिख लिया प्लस में क्योंकि वो क्लॉकवाइज है, इनटू ए से लेके 500 साइन 45 तक का डिस्टेंस। तो ये 3 + 2 ये कितना हो जाएगा 5, क्योंकि मोमेंट का फॉर्मूला हमने आपको बताए थे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मतलब फोर्स और डिस्टेंस यहां पे हमें दोनों लिखना है और दोनों जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये देखिए ये फोर्स इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये फोर्स के ऊपर एक्जेक्टली परपेंडिकुलर है। 500 sin 45 इनटू ए से लेके 500 sin 45 तक का डिस्टेंस, ये 3 + 2 कितना 5, तो हमने लिखे 5, ठीक है। तो फाइनली हमने 500 sin 45 यहां ले लिए। अब बचा है कपल, तो चलो कपल को हम लेंगे। कपल को चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, फोर्स को सिर्फ चेक करना पड़ेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। आपको सिर्फ फोर्स के लिए डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा, कपल के लिए आपको डेमोन्स्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ये जो कपल है ये ऑलरेडी क्लॉकवाइज है, थोड़ी देर पहले हमने ऑलरेडी प्रूफ किए थे कि ये क्लॉकवाइज है। तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो हम इसको सीधा सीधा लिख लेंगे प्लस 35, ठीक है। हमने इसको सीधा यहां पे प्लस में लिख दिया क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज के लिए प्लस होता है, तो प्लस 35 इनटू, यहां पे कुछ नहीं करना। अगर आपने यहां पे इनटू कुछ किए तो समझ लो रॉन्ग हो जाएगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि हमने यहां पे ऑलरेडी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस किए थे, हमने 50 × 0.7 दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले ही किए थे, तो यहां पे डबल से इनटू डिस्टेंस नहीं करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मोमेंट के प्रॉब्लम में रॉन्ग क्यों करते हैं, वो इसीलिए क्योंकि कपल जब भी लिखना होता है तो कपल वो लिखते हैं लेकिन कपल को भी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां कहेंगे 35 क्लॉकवाइज है तो प्लस इनटू ए से लेके 35 तक का डिस्टेंस 3, नहीं बिल्कुल नहीं, गलत। आप फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां नहीं कर सकते क्योंकि ये फोर्स नहीं है, ये ऑलरेडी कपल है। आपने ऑलरेडी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस किए थे, डबल से डिस्टेंस से मल्टीप्लाई मत करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली 500 sin 45 का फोर्स हमने ले लिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस किए, इट मींस ये मोमेंट हमने बना दिए, और ये जो कपल है ये जो मोमेंट है ये भी हमने यहां ले लिए, और हमने ये मोमेंट का इक्वेशन बना लिए। और अब बस हमें इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करना है, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। कैलकुलेटर डिग्री मोड में रखना जरूरी है,
500 साइन ऑफ 45 ब्रैकेट कंप्लीट इनटू 5 प्लस ऑफ 35, तो ये आंसर आ चुका है 1802.766। हम लिखेंगे 1802.766, इसका यूनिट न्यूटन मीटर, और इसका आंसर देखो प्लस में है, आंसर प्लस में है, इसका मतलब ये है कि हम यहां पे लिखेंगे क्लॉकवाइज, ये जो मोमेंट है ये क्लॉकवाइज है, मोमेंट या तो क्लॉकवाइज होता है या तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, डिपेंड करता है आंसर के ऊपर। आंसर अगर प्लस में है तो मोमेंट क्लॉकवाइज है, आंसर अगर माइनस में है तो मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, फिलहाल यहां पे आंसर प्लस में है तो हमने यहां पे क्लॉकवाइज लिख दिए। तो फाइनली प्रॉब्लम यही पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था मोमेंट ऑफ फोर्स, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 8। इसके पहले जो हमने इसके 7 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।